दर्शकों, बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बात करें तो महिला उपाध्यक्ष हमारे बीच में हज्जन कमर जहां, ये इनका नाम है, इनसे बात कर लेते हैं कि बाबरपुर जिले की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए। हज्जन कमर जहां, जिला बाबरपुर से बोल रही हूं, उपाध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगी जब से बाबरपुर विधानसभा के अंदर देखने में आ रहा है कि विकास की जो गंगा बह रही थी वो बीच में रुक चुकी है। हाँ, बिल्कुल रुक चुकी है, बिल्कुल नहीं हो रहे। हमारा विधानसभा बाबरपुर बहुत ज्यादा वीक हो रहा है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बाबरपुर विधानसभा में कोई सफाई नहीं है, गलियां टूटी हुई है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, है ना। पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, अब आम आदमी पार्टी के विधायक है, क्या कुछ नजर आ रहा है नया परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा, सिर्फ उनके वादे, केजरीवाल जी के वादे वादे थे सफाई के, लेकिन कोई सफाई नहीं नजर आती। सारे क्षेत्र आप देख लीजिए, सब टूटे फूटे हैं, गलियां टूटी फूटी हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, कुछ भी नहीं सफाई है। आम आदमी पार्टी की तो कह रही है कि 3 साल बेमिसाल है उनके। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठे दिलासे देते हैं लोगों को, कुछ नहीं। एजुकेशन के नाम पर भी वो एडमिशन करवाते हैं बच्चों का, बच्चों को मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं हमने एडमिशन करा दिया, लेकिन जाओ वहाँ पर तो कोई नाम नहीं होता बच्चों का, कोई एडमिशन नहीं होते हैं। हॉस्पिटलों का रख रखाव कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनवाई वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरीके से पेंशनें मिला करती थी, अब पेंशनों के हालत, अब बहुत परेशानी हो रही है, पेंशनें नहीं मिल रही। बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं समस्या लेकर, हम उनकी समस्या हल करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। वही मोदी सरकार ने जो अच्छे दिनों का वादा करा था उस पर क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छे दिन नहीं है, पर मैं तो ये कहूंगी कि पहले से भी ज्यादा खराब दिन आ गए। किसी के पास कोई पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक महिला हैं, महिला होने के बावजूद क्या कहना चाहेंगी मोदी सरकार आने के बाद में, महिला सुरक्षा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है महिला सुरक्षा। दिन की तो, रात की तो बात छोड़िए, दिन में महिला सुरक्षित नहीं है जी। मोदी सरकार ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, बिल्कुल नहीं आए। 15 लाख छोड़िए, 15 रुपए भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए, 15,000 रुपए भी नहीं आए, कुछ नहीं आया। तो क्या मानती है आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का आना चाहिए, और कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छे दिन थे जी। सबको है ना, सबके पास पैसा था, रोजगार था, एजुकेशन थी, है ना, सुख शांति थी, महिलाएं सुरक्षित थी। अब तो कुछ भी नहीं है, दिन रात छोड़िए, दिन में भी जाना मुश्किल है महिलाओं का। मोदी सरकार कह रही है कि हम 1.25 करोड़ नौकरियां देंगे, अभी तक तो कुछ नहीं दिया, अभी तक तो एक भी नहीं, एक को भी नहीं दिया। महंगाई की, वो महंगाई कम हुई मोदी सरकार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर बढ़ गई है महंगाई, और ऊपर जा रही है महंगाई। महंगाई कहाँ बढ़ गई? कांग्रेस के कार्यकाल में जैसे 450 रुपए का सिलेंडर था, अब कितने का आ रहा है? 750 का आ रहा है, पहले 450 का था। तो ये महंगाई बढ़ने पे तो या घटने पे थोड़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गृहिणी है, रसोई का बजट कैसा चल रहा है? रसोई का बजट बिल्कुल बेकार चल रहा है। आज देखो हमारी किचन में कुछ नहीं होता, सब खाली होता है, पहले सब भरा हुआ होता था, सब सामान होता था। अब बच्चों के लिए क्या करें, क्या दिलाएं, क्या उनको अच्छा कुछ दिला नहीं सकते, खिला नहीं सकते, क्योंकि पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। और दूसरी बात ये, हमारे अजय माखन जी हैं, हमारे राहुल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं हमारे, जब इनके राज में कितना अच्छा था, इन्होंने कितना अच्छा कर रखा था महिलाओं के लिए भी, घर के लिए भी, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बहुत अच्छा करते थे ये, इनके राज में बहुत अच्छा हो रहा था, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं, आप बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हैं महिला, तो क्या महिलाओं से अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी इस जनता को? जनता से ये कहना चाहूंगी, और खास तौर से अपनी बहनों से जी, है ना, कि बिल्कुल है ना, कांग्रेस को हाँ, कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को लाएं, कांग्रेस को मजबूत बनाएं और कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस के टाइम में हम लोग बहुत खुशहाल थे, बहुत अच्छे थे। मैं अपनी बहनों से यही अपील करना चाहूंगी कि अपनी कांग्रेस पार्टी को लाएं। अब देखो क्या हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में सब बहुत अच्छा चल रहा था, सब खुशहाल थे, सब बहुत सही चल रहा था।